हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू पालक की पूरी, जो ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। और इसे ना आप अचार चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना एक गंजी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने ना 200 ग्राम के करीब पालक ले ली थी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इस गर्म पानी में इसे डाल दिया है। तो मैं ना इसे हल्का सा बॉईल कर लूँगी, बस 2 मिनट के लिए ही मैं इसे पकाऊँगी। ज़्यादा मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तो बस 2 मिनट मैं इसे पका लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं ना यहाँ फ्लेम ऑफ कर दूंगी और जो पालक है ना इसे हम निकाल लेंगे। एक छन्नी में मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैं सारी पालक को ना मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब मैं ना इसमें जल्दी से ठंडा पानी ऊपर से डाल दूंगी, जिससे इसकी जो भी प्रोसेस है ना वो वहीं रुक जाएगी। तो ये देखिए, पालक अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी, ठंडी हो चुकी है। तो मैंने इसे ग्राइंडर में डाल देती हूँ। इसके बाद ना मैं इसमें कुछ 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें ले ली थी, तो मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च को इस तरीके से मैं तोड़ के डाल देती हूँ इसमें। फ्रेंड्स, इसका ना अब मैं पेस्ट रेडी करके रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैंने ये 2 कप आटा ले लिया है। तो अब इसमें हमने जो पालक का पेस्ट रेडी करके रखा है ना, हम उसे इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, इसे मैंने किस लिया था, तो इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर इसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देती हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी। इस तरीके से हाथों से रब करके डालें। और फिर इसके बाद मैं 1/2 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ, और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अब इन सभी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अब इसका अच्छा डो रेडी कर लेना है। एक जैसे हम पूरी का आटा तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसे भी गूंथ लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और इसका जो है आटा रेडी कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं ना, तो ये थोड़ा चिपचिप आपको लगेगा, तो इसलिए ना थोड़ा सा मैं तेल ले लूँगी हाथ में, और फिर इसे हम फिर से तेल डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे। तो फिर ये जो ना अच्छे से गूंथ जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से ना ये रेडी हो चुका है डो हमारा। तो इसे अब मैं ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, डो अच्छे से सेट हो चुका है हमारा, बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसमें से पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से ना मैं थोड़ा सा आटा ले लूँगी और फिर इसकी लोई बना लेते हैं। तो ये देखिए, लोई बनकर रेडी है। तो चलिए इसे बेल लेंगे अब। तो ये देखिए, मैं ना इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी। आप चाहे तो सूखा आटा लगा कर भी इसे बेल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं तेल लगा के बेल रही हूँ इसे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से बिल्कुल रेडी हो जाएगी ये। सो फ्रेंड्स, पूड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, नॉर्मली जैसे पूड़ी का साइज रहता है ना, आप उसी तरीके से इसे बेल लें। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तेल ना गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। तो इसमें मैंने पूड़ी ऐड कर दी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना झारे से ऊपर से दबाते हुए हम इसे तल लेंगे। तो ये देखिए, ये बढ़िया से फूल गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी फूल चुकी है हमारी। तो इसे पलट के हम दूसरी साइड भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, पूरी हमारी अच्छे से सिक रही है। आप अगर एक साइड का में अलट पलट करके आप इसे अच्छे से सेक लें, तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी पूरी बनकर रेडी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप सूखी भी इसे खा सकते हैं, या अचार या चटनी के साथ भी खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये रेडी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी पूड़ियाँ भी रेडी कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। ये खाने में बहुत बढ़िया लगती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।